हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट टीचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज के ब्लाउज की फ्रंट नेक की डिजाइन बनाना बताएंगे। हम बोट नेक बनाएंगे, प्रिंसेस कट पर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद ब्लाउज की हम टोटल लंबाई लेंगे। तो लंबाई ली है हमने 15 इंच, 14 इंच कम्प्लीट लंबाई है, तो हमने यहाँ 1 इंच का मार्जिन रखा है। इस तरीके से नीचे से हमें सीधी लाइन खींच लेना है। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। तो हम निशानों को बराबर से मिला लेंगे। अब हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो हमने चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 9 इंच और 1.5 इंच का इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए हमने नीचे से लिया है 8 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो हमने इस तरीके से निशानों को मिला लेना है। 1 इंच की हम आर्मोल में इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा लेकर निशानों को इस तरीके से मिला लेना है और ऊपर से हमें थोड़ा सा तिरछा करते हुए इसको कट करना है इस तरीके से। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसके गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने इसको कट कर लिया है। तो अब हम प्रिंसेस कट के लिए नीचे से लेंगे 3 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच। इस तरीके से हम नीचे से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन को हमें आर्म होल की तरफ इस तरीके से गोलाई देते हुए मिला देना है। अब इसके बाद हम साइड से लेंगे 2 इंच, 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे और कुछ इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ इसको अच्छे से मिला लेना है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। इसके हम कटिंग कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फिटिंग पहनने पर बहुत अच्छी आती है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच, नीचे की तरफ हमें इस तरीके से इसकी चौड़ाई लंबाई लेना है 3.5 इंच। और इस तरीके से हम चौकुल बॉक्स बना लेंगे और इसमें हमें बोट नेक का शेप बना लेना है। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे गले की। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग भी यहाँ पर कर ली है। अब अस्तर को रखकर ही हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। दोनों को अच्छे से रखेंगे और हम यहाँ पर पिंस लगा लेंगे दोनों में। अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अच्छे से सेट करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमें यहाँ पर उल्टा ही लेना है। तरीके से हम चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हम इसकी फिनिशिंग अच्छे से कर लेना है। तो गले के कपड़े को भी हम कट करके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमने आगे वाले पार्ट को फिनिश कर लिया है। अब हम साइड के पार्टों को भी दोनों साइड से इसमें भी हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर इनको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी पार्ट को सिलाई लगाकर और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर कंप्लीट कर लेना है। अब इनको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो नीचे से हमें अच्छे से बराबर मिलाते हुए दोनों को रख लेना है और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। कोई भी अगर पार्ट हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलेगा तो उसको हम जब आर्म होल की गोलाई देंगे तो उस समय हम उसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने एक साइड के पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरे साइड के पार्ट को भी हम इस तरीके से इसमें लगाएंगे। तो हमने इसमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कमर पट्टी लगाना है। तो हमने इसके लिए एक सीधी पट्टी कट कर ली है और पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ हम इसमें सीधी सिलाई चलाएंगे और इसको हम अच्छे से अटैच कर लेंगे इसमें। तो पट्टी को इस तरीके से लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके
अब पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से हमारी कमर पट्टी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हमने यहाँ पर लगाकर इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम गले पर डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर कपड़ा कट करेंगे। तो हमें इस तरीके से ब्लाउज को डबल फोल्ड कर लेना है और डबल ही हम इस तरीके से मेन फैब्रिक का कपड़ा इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब हमारी जो ब्लाउज़ को इस तरीके से हम उस पर रखेंगे तो हमारी जो बंद वाली साइड है उनको मिलाते हुए हमें गले पर इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब हम कुछ इस तरीके से इसमें दो दो इंच पर निशान लगाते हुए इसमें गोलाई में निशान लगाएंगे। तो बीच में हमें इसमें एक इंच बढ़ा देना है। यहाँ पर हम 3 इंच रख लेंगे और जब हम कोने तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हम इसमें 1 इंच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको बना लेना है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉलर को कट कर लिया है, निशान लगा लिए हैं। अब हम कॉलर को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो नीचे से भी हम इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने कॉलर को यहाँ पर कट किया है। अब हम अस्तर पर इसको इस तरीके से रखेंगे। तो अब हम इसमें अस्तर को भी हमने बराबर इस तरीके से कट कर लिया है और इसमें हम पिंच लगा लेंगे। अब हमें नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगाना है। जो हमने कॉलर नीचे की तरफ गोलाई दी है उसमें हमें पूरे में अस्तर के साथ इसमें अच्छे से सिलाई को हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसमें हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर सीधा करने के बाद इसमें हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो बीच में भी हमें इसमें सिलाई लगाकर इस तरीके से हमें इस कॉलर को कंप्लीट कर लेना है। अब बीच में जो अस्तर है उसको हम इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो इसमें हमने अस्तर के साथ इसको अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें नीचे की तरफ इसमें पूरे में लेस को अच्छे से लगा लेना है। इस कॉलर का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमें पूरे कॉलर पर इस लेस को अच्छे से लगा देना है। तो हमने कॉलर पर लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। हमें कॉलर को इस तरीके से सीधा रखना है। पहले हम इसके सेंटर पर निशान लगा लेंगे। ब्लाउज में भी हम इसको डबल करके इस तरीके से इसके भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे। कॉलर को इस तरीके से सीधा रखना है। ब्लाउज़ को हम इस तरीके से रखेंगे और हमें दोनों के सेंटर को बराबर मिलाते हुए रखना है। अच्छे से इसमें आगे से हम पिंच लगा लेंगे और फिर हमें इसमें सेंटर से ही सिलाई लगाना है। तो हमें पहले एक साइड की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड फिर से सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर से ही हम दूसरी साइड इस तरीके से इसमें सिलाई को लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम पूरे में अच्छे कट लगा लेंगे। छोटी छोटी कट लगाने के बाद कॉलर को हम ऊपर की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और हम ऊपर से फिनिशिंग के लिए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो इस तरीके से हमने पूरे कॉलर पर यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है और इसी के साथ हमारा ये फ्रंट नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाना इसको बताया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।